आगे बढ़ते हैं धनबाद की खबरों के साथ। देखिए बाघमारा में बाबूलाल मरांडी की सभा है, मुराइडी बरोरा मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। बाघमारा में भी बाबूलाल मरांडी की है सभा, तो एक तरफ पलामू में हेमंता बिस्वा सरमा की सभा है, दूसरी तरफ बाघमारा में बाबूलाल मरांडी की सभा है, मुराइडी बरोरा मैदान में वे सभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो बाघमारा की ये जो कह सकते हैं तैयारियां हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, इसको लेकर भी पूरी तैयारियां लगातार की गई है। हर एक विधानसभा क्षेत्र को बीजेपी बारीकी से समझ रही है और यहां पर आपने देखा होगा किस तरीके से सबसे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यहां पर तय कर लिया गया, कौन कौन से वो प्रत्याशी होंगे जो मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, इसको लेकर भी सबसे पहले एनडीए ने वो तमाम प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, क्योंकि बीजेपी ये लगातार कहती आई है कि तैयारियां पहले से हुई है। इससे पहले हमने आपको पलामू के सभा स्थल की तस्वीरें दिखाई थी, अब हम आपको बाघमारा के बरोड़ा मैदान में जो बाबूलाल मरांडी की सभा आयोजित है वहां की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां से हमारे संवाददाता बंटी जोड़ रहे हैं। बंटी देखिए लगातार बीजेपी कार्यक्रम चला रही है, सभा का आयोजन हो रहा है, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील है और आज देखिए मुराइडी बरोड़ा मैदान में भी सभा है, बाबूलाल मरांडी शिरकत करने वाले हैं और क्या कुछ यहाँ पर जो है कितनी समय कितना और वक्त लग सकता है इस कार्यक्रम को साथ होने में। अजय बता दें कि देखिए ये बाघमारा विधानसभा के मुराइडी दुर्गा मंदिर स्थान पर सभा का आयोजन किया गया है। इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी जी और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न माथुर वो सभा में रहेंगे और खास करके सभा की तैयारी जो सुबह से ही जो कार्यकर्ता और नेता भाजपा के वो लगे हुए हैं, मंच को पूरी तरह से तैयार किया गया है, लोग विभिन्न तरह के जो पानी की सुविधा और हेलीपैड पर जो वहाँ पर जहाँ पर उनका उतरेंगे वहाँ भी हेलीपैड बनाया गया है और हम सीधा बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी की गई है और कितने बजे बाबूलाल जी यहाँ पहुँचेंगे। बाबूलाल जी का आगमन 3 बजे का समय है, 3 बजे वो यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे और हम लोग की तरफ से सभा को सफल बनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, हम लोग फाइनल स्टेज पे अभी हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम हम लोगों का बस थोड़ी देर में ही यहाँ पर एकदम गाजा बाजा के साथ एकदम उत्साह से लबरेज होकर यहाँ पहुँचने के लिए लालायित है। हमारे जिला के सम्मानित अध्यक्ष आए हैं भाई, हम लोग जिला अध्यक्ष साहब रहेंगे और हम लोगों के पूरा जो कोर कमेटी है संचालन समिति है वो पूरी समिति रहेगी, प्रतिनिधि रहेंगे और जो मुख्य धनबाद के लोकप्रिय सांसद रहेंगे और जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर जो मुखिया हैं पंचायत समिति हैं वार्ड है जिला परिषद सदस्य है वो सभी सम्मानित लोग रहेंगे। यहाँ पर तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है, कुछ जो यहाँ जिला अध्यक्ष है धनबाद भाजपा के जिला, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि मुख्य अतिथि कौन रहेंगे और क्या कुछ तैयारी। आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी रहे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आज कार्यक्रम आपको 2 बजे से शुरू हो जाएगा। प्रत्याशी के साथ और कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? बाबूलाल जी रहेंगे, प्रत्याशी जी रहेंगे और सांसद जी और यहाँ जिला के पदाधिकारी लोग रहेंगे, मंडल का अध्यक्ष रहेंगे, मुखिया लोग रहेंगे, जिला परिषद के सब सदस्य लोग हैं सब लोग रहेंगे। देखिए मैं इधर दिखाऊं सहयोग करना चाहूँगा, देखिए मंच पूरी तरह से तैयार है, जो कार्यकर्ता है जो भाजपा नेता है वो सुबह से ही लगे हुए हैं और यहाँ सामने ही हेलीपैड बनाया हुआ है जहाँ पर 3 बजे के करीब जो समय बतलाया जा रहा है कि वहाँ पे बाबूलाल जी उतरेंगे और कुछ ही देर में जो यहाँ जो आसपास के जो ग्रामीण है और जो भाजपा के सपोर्टर उनका हुजूम इसी पंडाल में रहेगा। तकरीबन 6,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से भाजपा की तरफ से हर चीज़ का जो लोगों को किस तरह का तकलीफ न हो पानी से लेकर हर व्यवस्था की गई है। है आज उस सभा को लेकर तस्वीरें आपने दिखाई है सभा स्थल की, वापस से जुड़ेंगे आपके साथ बंटी जब यहाँ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका बंटी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभा स्थल की तस्वीरें और जिला अध्यक्ष से बातचीत करने के लिए कि तैयारियां किस स्तर पर यहाँ पर की गई है और कार्यकर्ताओं को लगातार मजबूती देने का काम बीजेपी के शीर्ष नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।